चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। और प्रमुख रूप से हम आपसे बातचीत करते हैं करंट अफेयर्स की श्रृंखला पर और लेते हैं आज के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्व रखते हैं। दोस्त एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस लॉकडाउन के दौरान आप अपनी तैयारी में कदापि ब्रेक नहीं करेंगे, और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आप ये बात याद रखिए कि आप अगर ऐसा सोच रहे हों कि इस समय कोई नहीं पढ़ रहा है तो ध्यान दीजिए आप उनसे निश्चित तौर पर पीछे हो जाएंगे जो इस समय पढ़ रहा होगा, क्योंकि इस समय एकाग्रचित होकर के इस समय बिना किसी बोझ के बहुत सारे विद्यार्थी मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी अपने लक्ष्य के लिए निश्चित तौर पर लगे रहिए, क्योंकि लंबे रेस का घोड़ा सदैव अच्छी सफलता अच्छे रिकॉर्ड के साथ हमेशा अपनी विजय को कायम रखता है। ध्यान दीजिएगा कि जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं हो रही हैं उसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और करंट अफेयर्स की श्रृंखला एकाएक या अचानक तैयार नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको रोज़ाना की भांति आप तैयार करें और वही आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए दोस्त लेते हैं आज के प्रश्न नंबर एक को और बात करते हैं प्रश्न नंबर एक का। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने नाबालिगों को मौत की सज़ा का प्रावधान खत्म करने की घोषणा किया है। कल हमने बात आपसे किया था कोड़े मारने की सज़ा का जो समाप्ति थी, आज कमेंट करना है कि नाबालिगों को मौत की सज़ा का प्रावधान खत्म करना। ए कह रहा है यमन, बी कह रहा सऊदी अरब, सी कह रहा बहरीन और डी कह रहा मिस्र। प्रश्न नंबर एक के लिए कमेंट करिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोगों का और बहुत बढ़िया एकदम शानदार आंसर आ रहा है, और बिल्कुल बिल्कुल एकदम शानदार आंसर है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सऊदी अरब ने हाल ही में नाबालिगों की को जो मौत की सज़ा दी जाती थी उसको और साथ ही साथ कोड़े मारने की सज़ा को इसने क्या किया है, ख़त्म करने की घोषणा किया। प्रश्न नंबर एक का अतः राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दो के क्रम की ओर आते हैं और कह रहा है कि हाल ही में पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल रहे थे। ए कह रहा है क्या वे बिहार राज्य के थे, बी कह रहा है क्या त्रिपुरा के थे, सी कह रहा है क्या पश्चिम बंगाल के थे और डी कह रहा है ये क्या सभी जगह के रह चुके हैं। कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर दो के लिए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे लोगों का सही आंसर भी आ रहा है, और ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा ये बिहार त्रिपुरा पश्चिम बंगाल इन सभी जगहों के राज्यपाल नियुक्त हो चुके थे, अतः प्रश्न नंबर दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर तीन के क्रम की ओर आते हैं, कह रहा हाल ही में रोनोजॉय रानी राय का निधन हो गया है, वे कौन थे, क्या वे एक चित्रकार लेखक, कह रहा है सी कह रहा है स्पोर्ट्स फोटोनोलॉजिस्ट थे और कह रहा है कि डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर तीन के लिए कमेंट करिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर तीन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर तीन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट थे ये कौन, रोनोजॉय रानी। चलिए ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर चार के क्रम की ओर, और प्रश्न नंबर चार कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने कोविड 19 के कारण प्रमुख बहुपक्षी हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द किया है। ए कह रहा फ्रांस, बी कह रहा ऑस्ट्रेलिया, सी कह रहा जापान और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर चार के लिए कमेंट करिएगा। अब देखिए प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि पिच ब्लैक 2020 युद्धाभ्यास किस देश से संबंध रखता है, तो दोनों का आंसर एक ही होगा। चलिए मैक्सिमम सही आंसर देना है, कुछ मिसमैच आंसर भी है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर चार का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया ने कोविड 19 के कारण प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास
पिच ब्लैक 2020 को इसने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो प्रश्न नंबर चार का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्त प्रश्न नंबर पाँच के क्रम की ओर आते हैं और प्रश्न नंबर पाँच कह रहा है कि हाल ही में किसे खेल और युवा मामलों के मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ए कह रहा है रवि मित्तल, बी कह रहा है अमित खरे, सी कह रहा है अनीता कारवाल, डी कह रहा है तरुण कपूर। प्रश्न नंबर पाँच के लिए कमेंट करिएगा। चलिए बिल्कुल, प्रश्न नंबर पाँच का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रवि मित्तल। रवि मित्तल को हाल फिलहाल में खेल और युवा मामलों के मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है, अतः प्रश्न नंबर पाँच का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर छः कह रहा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट को तैनात किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, और कह रहा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर छः के लिए कमेंट करिए और प्रश्न नंबर छः ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर नोट करिएगा। चलिए बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। केरल राज्य ने कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी KARMI BOT रोबोट को तैयार किया है। तो प्रश्न नंबर छः का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर सात के क्रम की ओर आते हैं और कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना शुरू किया है। ए कह रहा है केरल, बी कह रहा है असम, सी कह रहा है पश्चिम बंगाल, डी कह रहा है मध्य प्रदेश। कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर सात के लिए। चलिए प्रश्न नंबर सात का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, असम। ध्यान दीजिएगा, असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना शुरू किया है, जिसके तहत हॉटस्पॉट के अंदर आसानी से दवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। तो प्रश्न नंबर सात का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर आठ के क्रम की ओर आते हैं और कह रहा है हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलेखना सर्च इंजन विकसित किया है। यहाँ पे कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विलेखना, क्या यहाँ पे विलोकना होगा, थोड़ा सा विलोकना बना लीजिएगा। चलिए, ए कह रहा है IIT बॉम्बे, बी कह रहा है IIM केरल, और सी कह रहा है IIT दिल्ली, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर आठ के लिए कमेंट करिएगा। चलिए बिल्कुल, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, IIM केरल। प्रश्न नंबर आठ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, IIM केरल। प्रश्न नंबर नौ के क्रम की ओर आते हैं और कह रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र ध्यान दीजिएगा कि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ए कह रहा है असम, बी कह रहा कर्नाटक, सी कह रहा मध्य प्रदेश, और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर नौ के लिए कमेंट करिएगा। और मैं एक दिन कोविड-19 के दौरान जितने मोबाइल ऐप बनाए गए हैं वो किस राज्य से संबंध रखते हैं, मैं एक दिन केवल इसी की अभ्यास श्रृंखला को लेकर के आऊँगा, तो जो आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर नौ के लिए कमेंट करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटक। कि कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो प्रश्न नंबर नौ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 10 के क्रम की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है इस वर्ष 2020 में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जा रहा है। ए कह रहा है 21 अप्रैल से 27 अप्रैल, बी कह रहा है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो जा रहा है ये हो जाएगा मनाया गया, और सी कह रहा है 22 अप्रैल से 28 अप्रैल, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10 के लिए कमेंट करिएगा, और इसका आप कमेंट करेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य में हाल ही में मतलब 2020 का जो विश्व टीकाकरण सप्ताह था इसे समाप्त किया गया।
ध्यान दीजिएगा कि हमारे सभी कोर्सेज में 25% ऑफ है। आप अप्लाई कूपन कोड C2020 यूज करें और घर बैठे सुरक्षित आप तैयारी करें। और सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, रजत को मोटिवेट करने के लिए इनका चैनल रजत फॉर यू आप जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।